समाज अंदर असी अक्सर देखते हाँ कि प्यार दे चक्करां विच पै के मां बाप की मर्जी तो बगैर कराए विआह बहुत ही घट तोड़ चढ़ते हैं ते ज्यादातर लड़कियां नूं दाज दहेज लई कुटमार करके जां तां घरों कढ़ दिता जांदा है जां फिर ओह कुड़ियां मौत दे मूंह विच चलियां जांदियां हन। अजिहा ही कुछ होया है बठिंडा की रहण वाली शबनम नाल जिसने करन पुत्र पम्मा वासी बस्ती आवा फिरोजपुर शहर नाल साल 2019 विच लव मैरिज करवाई सी पर दाज दहेज ना मिलन कारण अक्सर उसका सहुरा परिवार उस नाल लड़ाई झगड़ा करते रहिंदे सन अते लड़के कारण ने उसनूं छड्ड के हुण दूसरा विआह करवा लिया है अते लड़की नाल कुटमार करके उसनूं घरों कढ़ दिता है जिसका इंसाफ लैण लई शबनम वल्लों पुलिस कंप्लेट दित्ती गई है पर किधरे भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। शबनम ने दस्सिया कि उसका एक छोटा जिहा बच्चा भी है जिसनूं छड्ड के उसका दूसरी औरत नाल विआह करवा के रह रहा है। इस संबंधी थाने के चक्कर कड कड के थक चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने पुलिस प्रशासन तो मांग की है कि उसनों इंसाफ दिता जाए। इस संबंध में जदों साड़ी टीम वालों गुरमीत सिंह चीमा SPD फिरोजपुर नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि परचा दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। जे न्यूज पंजाबी लई फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम शबनम है, पत्नी करण। मेरे कुछ 4 साल पहला मेरे करण नाल मेरी मैरिज हुई सी। चुन्नी चढ़ावा उनके चाचे घर साड़ी लव मैरिज हुई है। उनके विच एक साडा 1.5 साल का बच्चा है ते उस तो इलावा मेरे मैनू कुट मार करके साढ़े नॉर्मली घरेलू झगड़ा हुंदा सी घर विच कुछ दाज दी कुछ ऐदा मंग करके साढ़े नॉर्मली घरेलू झगड़ा रहिंदा साढ़े आपस विच जो साडा मेरा साडा बच्चा होया युवराज तो साडा घरेलू झगड़ा रहिंदा सी। उस तो बाद मेरे घर वाला मैनू कुट मार के पेके भेज दिंदा सी। फिर उस तो बाद इन्हां ने 8वें महीने की 12 तरीक नूं मेरे सास सहुरे ने रल के मेरे घर वाले की दूसरी मैरिज करती कि मैनू कुछ पता नहीं ना साडा तलाक होया ना कुछ। कुड़ी दे माता कुड़ी नूं भी पता पुत्री सुखा निशा निशा पुत्री सुखा ये मच्छी मंडी की कुड़ी है निशा उस नाल व्याह किया। उनकी माता मनजीत सब नू पता सी कि व्याया होया। इन्हां ने रल के मेरे सास सहुरे पम्मा सहुरा मेरा पम्मा ते सस मेरी सीमा इन्हां ने सारिया जनिया ने रल के मेरे घर वाले का व्याह करता मच्छी मंडी धूमधाम नाल व्याह किया। ते उसकी माता भी मन्नी है वह कहिंदे कि असी तेनू घरों कढ़ना कि साडा सी अपने धूमधाम नाल व्याह करवाया तू इंदी कुछ नहीं लगती तेरा बच्चा साडा कुछ नहीं लगता एवें करके इन्हां ने मैं कंप्लेट दिती। मैं कंप्लेट सिटी चौंकी दिती पहले 112 ते कीती। उन्होंने इन्हां नू बुला लिया ते उन्होंने साडे बयान करवाए। फिर उत्थे मेरे घर वाला मन्निया कि हाँ मैं कुड़ी नू नाल व्याह किया मेरा हुण कुड़ी नाल कोई लेना देना नहीं। चौंकी विच मन्निया कि मेरा उस कुड़ी नाल कोई लेना देना नहीं हैगा जे मैं आदि घर वाले नू धोखा दऊंगा तो मेरे बनती कार्रवाई करी जाए। फिर इस तो बाद 2 दिन बाद मैनू चौंकी विच घर ले आए पंचायती बंदे पै के सैन सुन करके मैं चौंकी विचों घर ले आई सी कि इन्हें कहा कि मैं कुड़ी माँ प्यो उन्होंने भेजती मेरा सास सहुरा रल के मैं चौंकी तो घर ले आए। मैं अपने घर आ गए उस तो बाद मेरा सास सहुरा 2 दिन पहला बहाने नाल पट्ठे ते चले गए ते मेरा घर वाला मेरे कोल। फिर दूजे दिन मेरा घर वाला कहिंदा मैं राशन लैके आना उस तो बाद वो आया नहीं। मैं फिर गई चौंकी सुखचैन सर कोल उन्होंने मैं फिर बोलिया उस तो बाद उन्होंने फिर बुलाया उत्थे मुंडा दे बयान च मन्निया कहिंदा मेरे ते परचा कर दो मैं इन्हू नहीं रखना। फिर मैं पुलिस वाले ने इन्हां ते बनदी कार्रवाई सुखचैन सर ने लिख के भेजती। उस तो बाद दर दर मैं बहुत पटकी बहुत किया मेरा कोई इंसाफ कोई कुछ नहीं। इन्हां ने मेरे मैनू ते मेरे बच्चे नू बहुत ज़्यादा रोलता कि मैं दर दर भटक रही हूँ भुखी प्यासी मैं अपने घर च कल्ली रह रही हूँ मैनू इन्ना कि इन्हां ने जलील कर रहा टोचरबाजी मेरे सहुरा आके मेरे नाल टोचरबाजी करता मैनू घरों कढ़दा खुद तो भजे होया कि मैनू इन्ना क जलील कर दिया बहुत ज़्यादा। कुड़ी की माँ मनजीत मैनू राह जाते रोकती है तेनों असी घरों कढ़ना हूँ मेरी कुड़ी का हक है तेरा कोई इतने हक नहीं है। इस तो बाद मैं कंप्लेट दिती कि तभी मुजरमान कोई फड़ नहीं रहे कोई कुछ नहीं कर रहे। मैं कुड़ी की माँ का मनजीत का नाम भी लिखवाया मेरा देवर बुली कि आके मैनू घरों कढ़न की कोशिश करते कहते हूँ ससिया के भरा का विआह कर लिया तेरा हूँ कोई लेना देना नहीं इतने तेरा कोई हक नहीं है कि मेरा एक छोटा बच्चा है मैं कित्थे जावां मैनू कोई इंसाफ कोई कुछ नहीं मिल रहा। ये मुजरम इन्नी करके मेरी तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके खुद आजाद घूम रहा कि मैं कल्ली भटक रही हूँ कि मेरा कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस वाले ने भी
फरा ही कटती जो असली मुजरम मनजीत ते उर्फ बुली जो कि मेरा देवरा मनजीत सुखा वाइफ जो निशा दी माता है ये सारे मुजरम है जिन्होंने रल के मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरे सास सहुरे ने सीमा पम्मा ते मेरा घर आला करण उर्फ दानी ते निशा पुत्री सुखा इन्हां सारिआं ने रल के मेरी जिंदगी बर्बाद की। सब कुछ मैनू रोलता ते हुण भी मैनू कोई इंसाफ नहीं। मेन जिन्हां मनजीत कुड़ी दी माता उर्फ रानी इसकी सारी मिली भगत पुलिस आलिया ने रल के उसका नाम काढ़ता बुली का नाम काढ़ता जो मेरा देवर से जो इस सब कुछ शामिल से जिन्हां दी रिली भगत नाल उस नए विआह करवाया उनकी मां मन्नी है सिटी थाने आके मन्नी है कहिंदी मैं अपनी कुड़ी का धूमधाम नाल विआह किया ते कोई इंसाफ कोई कुछ नहीं दिता। उनका नाम पुलिस वाले ने रल के पैसा लैके उनका नाम बुली का नाम काढ़ता तो जो मेन मुजरम है उनका नाम काढ़ता जो मेरे नाल आके बहुत ज़्यादा मुजरम करते हैं। मैं सारे चौंकी कंप्लेट भी दिती मैं फिर दोबारा तो उन्होंने कंप्लेट दे के आई है फिर भी मेरा कोई वो नहीं होया कोई इंसाफ नहीं होया। कुछ दोषियों के नाम काढ़ते दो जनिया के नाम काढ़ते हाँ जी मेरे को बयान कराए गए थे बयाना मेरे को कापियाँ बयाना उन्होंने दोनों का नाम भी है मनजीत उर्फ रानी आतिश उर्फ बुली मेरा देवर। मेरी यही मंग है जो मुजरम के नाम कढ़े आ उन्होंने भी कीती जाए इन्हों तो जल्द इन्हों की रैसट हो जिन्होंने मेरी तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है। मैनू इंसाफ चाहिए मैं भगवंत मान तो यही अपील करना चाहनी हाँ कि जल्द तो जल्द मुजरमान रैसट किया जाए मैनू इंसाफ मैनू तो मेरे बच्चे इंसाफ दिता जाए कि असी इस टाइम घर विच कल्ले हाँ कि सानू कोई कुछ किसी दे नहीं कुछ गल् जेडे मैनू गली च रोटी पानी देंदे आ जां कदे सानू बुला लेंदे आ उन्हां ते वी झूठियां कंप्लेटां मैनू इन्ना क टोचरबाजी इन्ना क जलील कर रहे ना इत्थों तक मैनू गली च वी किसे नू जेड़ा मैनू गली च माड़ा कभी बुलांदा उन्हां ते झूठियां कंप्लेटां झूठे केस कोर्ट केस कोई बलविंदर सिंह वह मेरे इन्ना क मैनू जलील कर रहे टोचर कर रहे कोर्ट ते झूठे केस पा रहे मेरे ते मैनू कल्ली नू इन्ना जलील कर रहे कि मैनू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मैनू कुछ मैनू तो मेरे बच्चे ने इंसाफ नहीं मिल रहा मैनू इन्ना क टोचरबाजी कर रहा कि बहुत ज़्यादा इस टाइम ना तो मेरे बच्चा छोटा ना सानू कोई सहारा मिल रहा ना कोई कुछ मिल रहा यह अपनी विआह करवा के उस कुड़ी नाल पट्ठे ते रह रहे हैं मेरा सास सहुरा सब कुछ उत्थे रह रहे हैं पर मैं अपना बच्चा लैके कल्ली घर विच रुल रही हाँ मैनू कोई इंसाफ नहीं है मैं अपने इंसाफ की मांग कर रही हाँ। वो मरसा लई मामला दर्ज होया कि ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 12498 494 ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਈ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ 498 494 ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਠੀਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ